सुस्वागतम सुस्वागतम सभी देवियों और सज्जनों को प्यार भरा नमस्कार। अशोक युवा जन संघम टकरा बस्ती सिकंदराबाद तथा डेप्यूटी स्पीकर तेलंगाना स्टेट माननीय श्री टी पद्मराव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस साल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं भव्य दिव्य पौराणिक अद्भुत चलचित्र वामन अवतार। वामन अवतार दुष्ट और राक्षस प्रभाव का विनाश करने के लिए भगवान श्री विष्णु जी ने दशावतार लिए थे, उनमें से एक है वामन अवतार। वामन अवतार को समझने के लिए हमें दैत्यराज बलि को जानना जरूरी है। बलि राजा दैत्यों के आदि पुरुष हिरण्यकश्यप के वंशज थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता से बलि शक्तिशाली बने। राजन, आपके त्रैलोक्य विजय के बाद पूरे ब्रह्मांड पर अब असुरों का प्रभाव है। गुरुदेव, यह सब आपके मार्गदर्शन से हुआ है। यज्ञ पूर्ति होने के बाद पुण्य प्राप्ति होगी, ये यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए। राजन, पूर्णाहुति दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। ॐ भवति भिक्षां देहि ॐ भवति भिक्षां देहि। महाराज, द्वारपाल ने सूचित किया है कि एक छोटा सा बालक याचक बनके आपके द्वार पे आया है और आपसे मिलने का हट कर रहा है। सावधान राजन, यज्ञ को अधूरा मत छोड़ो। मैं अपने तपोबल से ये जान चुका हूं, ये कोई साधारण बालक नहीं, कश्यप मुनि के घर विष्णु ने अवतार लिया है। ये वो ही है, उनकी कोई चाल है। साक्षात नारायण मेरे द्वार आए और मैं न जाऊं, ये तो अतिथि धर्म के विरुद्ध है। उनकी इच्छा पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है। यज्ञ समापन का अंतिम क्षण है वत्स, पूर्णाहुति डालो। ओम भवति भिक्षां देहि ओम भवति भिक्षां देहि। क्षमा करे गुरुदेव। गुरुदेव, बलि के द्वार पर कोई भिक्षुक आए और उसे दूसरी बार याचना करनी पड़े तो बलि के दानी वृत्ति पर 100 बार धिक्कार है। गुरुदेव। प्रणाम राजन। प्रणाम ब्राह्मण देव। कहिए, क्या भिक्षा चाहिए आपको? स्वर्ण, गोधन, गजधन, हीरे, मोती? राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। केवल 3 पग भूमि? साधारण व्यक्ति भी 3 पग भूमि मांगे तो भी उसका कुछ भला नहीं होगा, और आप जैसे छोटे आकार वाले व्यक्ति तो और कम स्थान घेरेंगे। यदि आप 3 पग भूमि नहीं दे सकते तो भिक्षा लिए बिना ही मैं वापस जा सकता हूँ। नहीं नहीं ब्राह्मण देव, मैं संकल्प करता हूँ, मैंने आपको 3 पग भूमि दे दी। से विराट हो गए। पहला पग उठाकर उन्होंने धरती नाप ली, दूसरा पग उठाकर समस्त नक्षत्र मंडल और आकाश नाप लिया,
मैंने चेतावनी दी थी राजन, ये विष्णु है। अब मेरा तीसरा पग मैं कहाँ रखूं राजन? आपके दोनों पग से धरती और आकाश नापने के बाद अब केवल मेरा शरीर ही बचा है प्रभु। हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। नहीं नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा मत कीजिए स्वामी, ऐसा मत कीजिए स्वामी। मैं वचनबद्ध हूं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बलि राजा, आप धन्य हो, मेरे तीसरे पग से आपका उद्धार होगा, आप पाताल के स्वामी बन जाएंगे और मैं आपका द्वारपाल बनूंगा। ये दिन ये तिथि बलि प्रतिपदा के नाम से जानी जाएगी। इसलिए हम किसानों को बलि राजा कहते हैं, जो जमीन से सोने जैसी फसल उगाकर हमारा जीवन चलाते हैं, उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। धन्यवाद। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा।